एक बार फिर पूरी दुनिया चीन में बच्चों में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर बेहद खौफजदा है। चीन पहले से ही ऐठा हुआ है, किसी नई बीमारी के संकेत में वहां नहीं मिले, लेकिन जो भी पहले से संकेत आ रहे थे वो एक बैक्टीरिया वायरस बताया जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अजीब चीनी निमोनिया को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और ग्लोबल संक्रमण रोग मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये भी कहा गया है कि सभी श्वास के संक्रमण के मामले हैं जो चिंताजनक है। चीन के बाद अब अमेरिका के ओहिया राज्य में बच्चों में निमोनिया के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के अलावा डेनमार्क और नीदरलैंड में भी इसके मामले सामने आए हैं। इस रहस्यमय निमोनिया को व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। जी हाँ, ये बीमारी ज्यादातर 3 से 8 साल के बच्चों के बीच में पाई गई है और उन्हीं बच्चों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये बीमारी ऐसा क्यों कर रही है, इसका कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। इस रहस्यमय बीमारी का नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे प्रभावित होने के बाद फेफड़ों में सफेद रंग के पेच नजर आने लगते हैं। इस बीमारी की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिस वजह से फेफड़ों और सांस लेने में जो सांस लेने की जो नली है उसमें समस्या हो सकती है। ये शुरुआत में कम होती है लेकिन आगे आगे चलकर ये गंभीर रूप ले सकती है। हालांकि अभी तक इस बीमारी की वजह सामने नहीं आई, लेकिन छींकते या खांसते वक्त निकलने वाले ड्रॉपलेट से ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। जैसे कि कोरोना की बात की गई थी, कोरोना के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, हाथ मिलाने से या किसी व्यक्ति की छुई हुई चीजों को छूने से वो फैल रहा था, ऐसे ही ये एक बार फिर से इस तरह की बीमारी सामने आई है जो कि छींकते या खांसते हुए जो ड्रॉप्स पड़ते हैं तो ये उसके कारण जो आगे वाले लोग हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा ये गंदे हाथों से भी फैल सकता है। जैसे एज इट इज हमने बताया आपको कोरोना फैलता था, ऐसे ही ये भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। अमेरिका में 11 से ज्यादा राज्यों में ये निमोनिया धीरे धीरे फैलते की बात कही जा रही है। अमेरिका के कई ऐसे राज्य और कई ऐसे इलाके हैं जिसमें ये लगातार थोड़े थोड़े मामले करके इसके बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार CDC विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल का श्वसन वायरस का मौसम पिछले साल की तरह ही दिखेगा। वो उम्मीद करते हैं कि फ्लू का मौसम विशेष रूप से गंभीरता की विशिष्ट सीमा के भीतर होगा। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC द्वारा एकत्र किए गए ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में कई राज्यों में वृद्धि आई है। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधियां बढ़ रही है। इसकी गतिविधि विशेष रूप से दक्षिण मध्यम, दक्षिण पूर्व, पर्वतीय और पश्चिमी तट क्षेत्रों में बढ़ रही है। लुइसियाना और दक्षिण कैरोलिना की संख्या में उन्हें सबसे गंभीर, बहुत उच्च श्रेणी में ये मामले आ गए हैं। अलबामा, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसिसिपी, न्यू मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, टेनेसी और टेक्सॉक्स सभी को उच्च श्वसन बीमारी गतिविधियों वालों के रूप में वर्गीकृत इस मामले में किया गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।